उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य रामवीर सिंह ठाकुर अक्का डिलारी में सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे कल्लन ने देहात 29 की गरीब जनता को बर्बाद करके रख दिया है, जिसका जीता जागता सबूत ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है। प्रमुखी चुनाव में दोनों बाप बेटों ने एक सीट पर 3 प्रत्याशियों को खड़ा किया था और तीनों से प्रमुखी के नाम पर मोटी रकम वसूल की थी। अब 22 के चुनाव में जनता अपना मत न देकर सपा विधायक को जवाब देगी और रिजवान विधायक को विधानसभा चुनाव में हराएगी। तो वहीं दूसरी ओर सभा में बोलते हुए पूर्व विधायक सोलत अली ने कहा कि भाजपा नेता रामवीर सिंह को जनसभाओं में भारी समर्थन मिल रहा है। जनता सपा विधायक रिजवान से परेशान हो चुकी है। अब विधानसभा 29 की जनता भाजपा का विधायक बनाना चाहती है और जनता का जनसभा द्वारा पूरा समर्थन भी रामवीर सिंह को मिल रहा है। सभा में पूर्व विधायक सोलत अली, हाजी दुल्ला नंबरदार, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, पंटी डीलर मोहम्मद तारिक उर्फ मुन्ने, जय सिंह, चिराग अली प्रधान, इरफान अली उपस्थित रहे। सम्मान थे, उन्होंने अपने सम्मान निभाए। एक मैं ये उदाहरण आपके सामने दिया, दूसरा उदाहरण मैं दूं, अभी यहाँ पे फाटक बंद हो गया था तो मुझे रुकना पड़ गया। सलील के होटल पे मैं जाके बैठा तो सामने यात्री शेड बना हुआ है, उस पर हमारे वर्तमान MP साहब की बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई हैं और उसके साथ में उनके चूजे की फोटो भी है कोने में को, यानी पोते की। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ये दाढ़ी मुसलमान होने की पहचान नहीं है, ये तो एक निशानी है, एक यादगार है मेरे हज करने की। हज करके आया, फिर कहा कि भाई अब दाढ़ी छोड़ दो, उन लोगों में गिनती हो जाए, चेहरे पर दाढ़ी आ जाएगी तो बहुत से बुरे कामों से अपने आप बचे रहेंगे, ये दाढ़ी याद दिलाती रहेगी। 96 में आइए, आइए इधर आ जाओ। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि हमें जाति में नहीं बंटना है, हम चुनाव के वक्त अक्सर यही होता है कि जातियों में बढ़ जाते हैं, हिंदू में बढ़ जाते हैं, कहीं मुसलमान में बढ़ जाते हैं, कहीं यादव में बढ़ जाते हैं, कहीं सैनी में बढ़ जाते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें सही अच्छे इंसान का चयन करना है, ऐसे इंसान का चयन करना है जो हमारे सुख दुख में काम आ सके, हमारे क्षेत्र का विकास निष्पक्ष होकर करा सके, इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और अभी जैसा बताया विधायक जी ने, मैं आपको बता दूं BDC के जो हमारा प्रमुखी का चुनाव था उसमें 57 मुस्लिम वोटर टोटल थे, 57 में से 30 मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में रहे, 30 मुस्लिम वोट, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम वोटों का समर्थन हमें पूरी तरीके से मिला, हिंदू का तो मिला ही, लेकिन उससे ज्यादा हमें मुस्लिम वोटों का समर्थन मिला। लोगों ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, धर्म के लालच दिए, मजहब के नाम पे उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमारे साथ डटे रहे। वो लोग जब नहीं बटे, उन्होंने भी सही इंसान का चयन किया, मैं उनकी अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, आप सब लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और आप सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है, गुजारिश है कि आप भी आने वाले चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सबसे पहले अच्छे इंसान का चयन करना है और अंतर आत्मा से सोचते हुए, ये नहीं सोचना कि भैया ये इस मजहब से है, मेरी जात से है, मेरी बरादरी से, उसकी तरफ नहीं जाना है। अली साहब, उनके बगल में बैठे सम्मानित बड़े भाई गुलाब सिंह यादव जी, प्रधान जी, हम सबके बुजुर्ग आदरणीय मेहंदी लंबरदार साहब, हमारे सम्मानित भाई नजर अली प्रधान जी और फरीद प्रधान जी, हमारे सम्मानित युवा दिलों की धड़कन, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप जी, हमारे सम्मानित आदरणीय मौलाना खुर्शीद साहब रसी ठेकेदार साहब, मंच का संचालन कर रहे अकरम भाई और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे सज्जद खान साहब, डंटी भाई, रफत भाई और सभी यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, सहयोगी मित्रों
मेरी आवाज सुन रही सभी माताएं बहनों प्यारे बच्चों, अभी आपने इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी से बहुत सी चर्चा परिचर्चा को सुना। मित्रों, आज ये विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा कही जाती है, लेकिन आज से 40 साल पहले मेरी अवस्था लगभग 50 साल की हो चुकी है और 40-42 साल पहले का भी मुझे होशो हवास है।